तो गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। देखो फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं एक और न्यू ऑसम एड ऑन। तो गाइस आज का एड ऑन होने वाला गाइस जो काफ़ी ऑसम होने वाला है, और गाइस इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यूआई है जो गाइस काफ़ी ऑसम है, जो गाइस आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस, क्योंकि पॉकेट एडिशन को बिल्कुल गाइस ऐसा बना दिया है कि गाइस आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक क्लिक में आपके सारे काम हो जाएंगे। तो वो पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताता हूँ जो कि गाइस बहुत ही ईजी हो चुका है कि गाइस जो सर्वाइवल मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में आपको जाना होगा। तो यहाँ पे गाइस आपको जाना है, आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है, और अगर सेटिंग के ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पे आपको कोने में ये थ्री डॉट्स के बटन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे गाइस आप जा सकते हो, यहाँ पे थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में, फ्रंट में, जहाँ पर भी आप जाना होगा इस वहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो गाइस, इजीली आप जा सकते हो। और गाइस यहाँ पे भी गाइस आपको देखने को मिलेंगे मतलब कि रेंडर चंक डिस्टेंस आप जितना भी कर सकते हो, जितना करना चाहते हो गाइस वो आप कर सकते हो यहाँ से। तो गाइस मैं कम ही कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि मेरा फोन बोल जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ इसे। और गाइस यहाँ पे FOV आप सभी की सभी चीज़ें आप देख सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो और हाइड हैंड कुछ भी कर सकते हो आप गाइस। और यहाँ पे हम कर लेते हैं बैक कर लेते हैं और पूरा बताऊँगा आपको इसके पूरा आपको गाइस क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आपको जावा यूआई देखने को मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे गाइस आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है गाइस, यहाँ पे बटन्स होंगे तो उससे गाइस आप चेंज कर सकते हो, आपको जो भी आपके हाथ में लेना हो चेंज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे गाइस राइट कॉर्नर में आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे आपके कंपस, और गाइस आपको आपकी क्लॉक भी देखने को मिल जाएगी। और गाइस कंपस आप जहाँ पर घूमोगे तो कंपस भी घूमेगा, और जो क्लॉक है वो गाइस आपको नाइट डे जो भी बताती रहेगी। और गाइस यहाँ पे गाइस आप जाओगे और गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे देखते हो गाइस कॉपर है, तो गाइस आप इस प्रकार से एक एक लेते हो, लेकिन गाइस यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हो तो सभी के सभी एक बार में ही आपके पूरे पूरे इन्वेंट्री में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो गाइस इन्वेंट्री में आ चुके हैं। और गाइस यदि इनको गाइस आपको एक एक करके यदि आपको ड्रॉप करना है, यदि आपको पूरा ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे गाइस आपको चेस्ट देखने को मिल जाएगी। यदि आपको एक ड्रॉप करना है तो गाइस आपको क्लिक करना है चेस्ट के ऊपर एक वाली पे, तो गाइस यहाँ पे आप एक एक चीज ड्रॉप कर देगा। और यदि आल करना है तो आल वाली पे आप क्लिक करो तो सभी के सभी आल आपके यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। इस प्रकार से गाइस आप ड्रॉप कर सकते हो, जो गाइस बहुत ही ईजी है। एक एक ड्रॉप करना हो तो गाइस आप इस प्रकार से एक एक ड्रॉप कर सकते हो, और गाइस आल ड्रॉप करने तो गाइस आप इस प्रकार से आप ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉप हो चुके हैं सभी के सभी चीजें, तो बहुत ही ऑसम है। और गाइस यहाँ पे गाइस जैसे कि यहाँ पे मैं इनको ऐसे फैला देता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं ऐसे फैल लेता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इन्वेंटरी मोड मैनुअल प्लेस। तो गाइस आप इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे गाइस मैंने इन चीज़ों को फैल रखा है, और गाइस यदि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो गाइस जब मेरे को बस इनके ऊपर क्लिक करना है, जैसे गाइस इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस ये ऑटोमेटिक उसके अंदर चले जाएगी और गाइस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो गाइस ये ऑटोमेटिकली इस प्रकार से गाइस ये ऐड हो जाएंगे। इस प्रकार से गाइस आप इनको ऑटो गाइस आप ऐड कर सकते हो, इस प्रकार से गाइस ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे आपके इसमें। तो गाइस ये भी गाइस काफ़ी ऑसम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस मैं फिर से करता हूँ तो गाइस यहाँ पे गाइस पूरे पूरे एक साथ में गाइस यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि गाइस काफी मस्त है, गाइस काफी ऑसम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस मैं मान लेता हूँ यदि एक चेस्ट, तो यहाँ पे गाइस मैं चेस्ट बना लिया है, और गाइस चेस्ट को यदि गाइस मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, गाइस जिसको मैं ओपन करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्विक लूट। ठीक है, तो क्विक लूट को गाइस आप जैसे ही ऑन करोगे, लूट को आप जैसे ही ऑन करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको बस इनके ऊपर एक बार क्लिक करना होगा, तो गाइस ये ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी में मतलब आपकी चेस्ट में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो गाइस आपको बस और सिर्फ क्लिक करना है, गाइस ये ऑटोमेटिकली आपकी चेस्ट के अंदर चले जाएंगे। देख सकते हो जब इसके प्रकार से गाइस चले गए हैं चेस्ट के अंदर। यदि आपको फिर से लेना है तो गाइस इनके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, गाइस ये फिर से आपकी इन्वेंटरी में भी आ जाएंगे। गाइस देख सकते हो गाइस फिर से आपकी इन्वेंटरी में इस प्रकार से आ जाएंगे। तो गाइस ये भी काफ़ी ऑसम है, आप गाइस फटाफट से इनको सामान को रख सकते हो ईजिली गाइस। और गाइस जब नाइट हो चुकी है, गाइस नाइट को गाइस मैं बता देता हूँ, आपको कमांड डालनी हो तो गाइस आप जैसे यहाँ पे जब कमांड वमांड डालनी हो तो गाइस यहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड भी डाल सकते हो, जैसे कि गाइस टाइम सेट, और गाइस यहाँ पे गाइस आपको ये बटन देखने को मिलेंगे, तो इन बटन से गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन गाइस मेरे को पता नहीं है गाइस कमांड वमांड किस प्रकार से डालते हैं, गाइस कमांड का मेरे को इतना काम नहीं पड़ता है अपनी गाइस वीडियोज में। तो गाइस ये कमांड का हो गया, गाइस यहाँ पे आप गाइस पॉज के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आप आपके इसको यहाँ पे गाइस आप इसको चेंज कर सकते हो इस प्रकार से। इसको यदि आपको बंद करना तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे गाइस आपके एक स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। यदि आपको आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे गाइस यहाँ पे गाइस मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको यहाँ पे करना है क्लिक, और गाइस यहाँ पे गाइस आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा इस प्रकार से। और गाइस इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो, तो गाइस इस प्रकार से गाइस आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। तो गाइस काफ़ी मस्त चीज़ है ये, और गाइस इतनी सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि गाइस बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें गाइस आप आपके FPS भी आप देख सकते हो, FPS भी आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो, और गाइस ये क्या है गेम मोड डिफिकल्टी आपको इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगी। और गाइस यहाँ पे गाइस आपको आपका वीडियो सेटिंग्स में जाओगे तो गाइस जहाँ पे आप आपके FPS भी आप सेट कर सकते हो, जितने भी FPS करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ से। तो आप गाइस मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको इसे किस प्रकार से लगाना है गाइस। तो चलते हैं गाइस मोबाइल की स्क्रीन पर। करने लिए आपको कैच क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद ग्लोबल रिसोर्स देखने को मिलेगा, तो इसमें जा करके और यहाँ पे जो UI है
जो भी गाइस पैक है इसको यहाँ पे एक्टिव कर देना है। तो ये गाइस यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपको सिंपल से बैक व्यू ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस ये आपका पूरा का पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और गाइस यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। इसकी जो भी सेटिंग्स होंगी आपको नीचे नहीं देखने को मिलेंगी, यहाँ पे ऊपर कोने में ऊपर देखने को मिलेंगी आपको इसकी सेटिंग्स। और गाइस सेटिंग्स में आप जाओगे तो गाइस यहाँ पे आपको पूरी सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसका गाइस साउंड इफेक्ट भी आप देख सकते हो, काफ़ी ऑसम साउंड इफेक्ट है। और यहाँ पे गाइस आपको पूरी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, वीडियो में जा करके आप वीडियो देख सकते हो थर्ड पर्सन। आपको पूरी सेटिंग्स है जो अलग देखने को मिलेंगी, चेंजेस देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे गाइस एक बटन होगा, ठीक है, उसका मैं बाद में यूज बताऊंगा। और यहाँ पे गाइस ऊपर एक बटन है, इसमें गाइस आप ड्रेसिंग रूम में जा सकते हो और जो आपके कुछ इन्विटेशन आएंगे, कुछ भी ईमेल वीमेल जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगे, सेटिंग्स अकाउंट को मैनेज करने की और गाइस पूरी क्यूट गेम करने की भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे गाइस। और यहाँ पे गाइस आप एक वर्ल्ड क्रिएट करके और गाइस वर्ल्ड को भी आप चला सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ऑसम है। इस प्रकार से आपको इस वर्ल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा और क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो। वर्ल्ड क्रिएट करो तो गाइज आपको वही सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे भी। और यहाँ पे आप गाइज कुछ भी चेंज मत करना, आपको कुछ भी गाइज दबाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गाइज आई होप आप सभी को गाइज वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और न्यू बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।